Hey, welcome to another special vlog. This is Mutkar Singh. You are watching me on my channel GM Tara. Or Abhi. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of जी हाँ, वो ISS ही था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. जिनको समझ में नहीं आया लास्ट क्लिप देख के, उनको बताता हूँ. नासा के यूट्यूब चैनल पे ये लाइव चलते रहता है. मतलब वो स्पेस स्टेशन किधर से गुजर रहा है, कितने टाइम पे, और उस एरिया के भी मतलब डिस्टेंस बताते रहते हैं कहाँ पे है ये, लोकेशन वगैरह. तो ये करीब 11:54 के करीब ये गुजरा था, गुजरात, राजस्थान, फिर ये फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, यूँ होते हुए गया था. मतलब दिल्ली के साइड से बिल्कुल गया था. तो वो हमें दिख गया था. और ये था GMT, मतलब 11:53:54 GMT, ग्रीनविच मेन टाइम. तो इंडिया के हिसाब से इंडिया ये 5.5 घंटा आगे है. तो इंडिया के हिसाब से ये शाम के 5:30 और 6 के बीच में था. और उस टाइम पे हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, तो हमने देख लिया. और इसको देखना पॉसिबल पता है कब होता है? सनसेट और सनराइज़ के 1 घंटा के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे स्काई मतलब आसमान बिल्कुल डार्क रहता है. लेकिन सन सन के वो रिफ्लेक्शन से, मतलब सैटेलाइट पे जो सनरेज पड़ते हैं ना, उसके रिफ्लेक्शन से हम क्लियरली देख सकते हैं. ये नासा के उस पे वेबसाइट पे लिखा हुआ था. ISS पे जा तो नहीं सकता, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पिक्चर में देख सकता, वीडियो में, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देख लिया उसको जाते हुए. मजा आ गया. शिवम जा रहा है, बाय बीरू बाय. चलो अपने भी घर चलते हैं भाई. मैं पैदल भाग के आया था, पर अब चलूँगा, स्कूटी से जाऊँगा निशान के साथ. भाई मैं तो सोच रहा था अंधेरा नहीं होगा, पर आज भी अंधेरा हो ही गया. चल बाय निशांत भाई, ठीक है? निशांत भाई इसी सोसाइटी में रहता है. और यार आज तो मज़ा आ गया. अब डेली मैं यूँ ही मतलब घर पहुंच गया, और गर्मी आ गई तो आपको पता है. अब मैं क्या करता हूँ, शाम को नहाता हूँ, तो अब फटाफट फ्रेश हो लेते हैं.